टैंक जिसको मैं देखने के लिए आया था 600 बता रहे हैं, वो होटल जो है वो यही है, 600 रुपये आप डाउन बता रहा है, ठीक ही है, जन्नत है यार यहाँ तो। तो दोस्तों मुझे जाना है यहाँ से ऊपर को, 1 किलोमीटर तक जाती है ऊपर, इसका जो टिकट है 500 रुपया। गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने घर पे होंगे। तो दोस्तों ये था पूरा बद्रीनाथ का सीन जो आप देख रहे हैं पीछे के साइड, बहुत ही सुंदर नज़ारा, ब्यूटीफुल नज़ारा यहाँ का। तो आज हम यहाँ से हमारी जर्नी शुरू होगी ओली के लिए और ओली से फिर हम जाएंगे अपने घर के लिए। तो फिलहाल सुबह के समय 7 बजे हैं और हम आपको दिखा रहे हैं बद्रीनाथ और हमारी हो गई है जाने की तैयारी। तो देख सकते हैं पूरा सामने मंदिर आप, और उसके कपाट खुले हुए हैं और लोग वहाँ पर जा रहे हैं और बहुत ही सुंदर नज़ारा, बढ़िया ब्यूटीफुल नज़ारा सुबह का, और आप देख सकते हैं और कितना बढ़िया नज़ारा यहाँ पर दिख रहा है यहाँ पर, और भव्य मंदिर, वाह जय बद्रीनाथ की। तो ये देख सकते हैं पूरा सीन आप बद्रीनाथ का। तो दोस्तों हम यहाँ से अब निकल रहे हैं ओली के लिए और ओली से फिर हम निकलेंगे अपने घर के लिए, यानी कि शालदे, जो कि मेरा गांव पड़ता है कुमाऊं के डिस्ट्रिक्ट अल्मोड़ा शालदे में। तो फिलहाल हम आ गए हैं होटल पर और अब हमारी तैयारी पूरी हो चुकी है और साथ में मेरे साथ मनोज जी हैं, और ये हमारा होटल था और होटल से हमने विदा ले लिया है। और सामने का नज़ारा आप देख सकते हैं, पहाड़ी का बर्फ़ जमी हुई है अभी भी और बहुत ही सुंदर नज़ारा। आने वाले ठीक 15 दिन के बाद सारा बद्रीनाथ यहाँ पर बंद हो जाएगा और धीरे धीरे लोग यहाँ से सब नीचे की ओर जा रहे हैं। तो अब हम भी यहाँ से निकलते हैं और डन, तो चलते हैं, आपको मिलते हैं रास्ते में, चलते हैं अपनी मंजिल की ओर और आज आपको थोड़ा सा नज़ारा दिखाते हैं जय बद्रीनाथ की ओली का। तो ओली का नज़ारा दिखाते हुए चलते हैं। ऑलरेडी दोस्तों हम पहुंच चुके हैं जोशीमठ, और जोशीमठ का नज़ारा आप देख सकते हैं, जोशीमठ एक हाईएस्ट जगह पर है, काफ़ी ऊंची जगह, और सामने की पहाड़ियां आप देख रहे हैं इतने टॉप पर ये जोशीमठ इलाका बसा हुआ है। तो जोशीमठ की भी हिस्ट्री बहुत लंबी है और इसकी हिस्ट्री अगर आप देखना चाहते हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन पर डाल दूंगा, आप उसमें देख सकते हैं। तो यह आ गया है जोशीमठ का बहुत बड़ा बाज़ार, क्योंकि जोशीमठ में एक से एक बड़े बड़े होटल आपको मिलेंगे और एक से एक नज़ारे भी आपको देखने को मिलेंगे वहाँ से, और आपको यहाँ का मार्केट देखने को मिलेगा जो कि बहुत लंबी चौड़ी मार्केट है और काफ़ी सारी इसमें होटल आपको मिलेंगे और एक से एक रेट पर आपको यहाँ पे मिलेंगे।
तो यहाँ पर आपको पहाड़ी व्यंजन भी बहुत बढ़िया मिलेंगे और नॉन वेज व्यंजन शायद यहाँ पर बिल्कुल आपको नहीं मिलेगा। तो हमें आगे से मुड़ना है लेफ्ट और हम जा रहे हैं इस समय ओली की ओर। तो ये हम निकल चुके हैं ओली की ओर। तो जैसे ही मार्केट ख़त्म होता है ठीक 600 मीटर की दूरी से फिर आपको लेफ्ट टर्न के लिए ओली के लिए रास्ता मिलेगा। ऑलरेडी गाइज मैं ओली पहुंच चुका हूं और आप देख रहे हैं इस समय रोपवे में कैसे जाते हैं। तो इन्हीं सीढ़ियों के द्वारा हम रोपवे तक पहुंचेंगे, लेकिन इस समय रोपवे यहां पर शायद बंद पड़ा है क्योंकि यहां पर इस समय जो है पब्लिक डी नहीं है और ऑफ सीजन चल रहा है। तो चलते हैं, आपको दिखाते हैं थोड़ा यहाँ का नज़ारा और कैसा भी है, जैसे भी होगा आपको। और इसके अंदर भी खुला ही है, भी बाई चांस से बर्फ़ पड़ गई या बारिश हो गई तो इसका भी आप एंजॉय ले सकते हैं। तो अभी चढ़ाई बहुत है तो ये चढ़ाई पूरा चढ़ना है, उसके बाद फिर मैं आपको पूरा। तो दोस्तों अभी करीब करीब हम 1 किलोमीटर ऊपर पहुंच चुके हैं ओली से, वो देख रहे हैं आप, उसके नीचे से हम पैदल आ रहे हैं ऊपर को, सांस फूल चुका है और आप जैसे कि देख रहे हैं नज़ारा ऊपर से। फिर एक नज़ारा मैं आपको और दिखाता हूँ, अभी ऐसी जन्नत की जगहों में जो है लोग जो है अपना इस जन्नत को शिकार कर रहे हैं वो मैं आपको बताता हूँ कैसे। ये देखो आजकल पिकनिक इस चीज़ की मनाई जा रही है यहाँ पे। अब इतनी ऊपर को मुझे जाना है तो रॉयल स्टैक, किसी ने रॉयल स्टैक पी रखी यहाँ पे, अच्छा पिकनिक बनाया है और बोतल वो पड़ी है तो अच्छी बात नहीं है। ऐसी जन्नत पे आना और शराब पीना और ऐसे फेंकना तो ये गलत है। अभी मैं उसको नीचे को जाते समय ले जाऊंगा, नीचे कूड़े में डाल दूंगा उसको। तो ऐसा संकरी रास्ता से मैं ऊपर आया हूँ और मेरा जो है इस समय पूरा सांस फूल चुका है। ये देखिए आप नज़ारा ओली का, जब यहाँ बर्फ़ पड़ती होगी तब तो यहाँ का नज़ारा कुछ और ही होता होगा। कहाँ से आए हैं आप? सिंघार से ही रहते हो आप? अच्छा ही रहने ही रहने वाले हो? अच्छा 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 यहाँ तो बर्फ़ पड़ती, कितना पड़ती है बर्फ़ यहाँ? तो 7-8 फीट। ये क्या, ये जो है ये क्या है? क्या ये जो ये सामने बना है, ये ट्रॉली है आने सामने? नहीं नहीं ये जो है स्केटिंग है बर्फ़ वाली? क्या स्केटिंग होती है यहाँ से? इसमें स्केटिंग होती है? तो जी हमें और कोई नहीं मिला, हमें छोटू मिल गया। क्या नाम है आपका? आदित्य। ये आदित्य बहुत अच्छा लगा फटाफट चढ़ता है। चित्रकुंड कहाँ पर है? इधर। तो दोस्तों ये बोल रहे हैं कि चित्रकुंड है, वैसे मेरा टारगेट काफ़ी ऊपर जाने का था पर मुझे देर हो रही है और मैं जा नहीं पा रहा हूँ क्योंकि 12-1 तो ही बज गए हैं। मैंने अभी रानीखेत से भी आगे अपने गाँव पहुँचना है, फिर वहाँ से दिल्ली जाना है कल को। तो दोस्तों ये मेरे को नहीं लग रहा है कि मैं, मेरे विचार था कि ये जंगल जंगल रास्ता होते हुए एक मंदिर है ना ऊपर, हाँ तो मंदिर में जाना था, लेकिन मेरा विचार ये है कि मैं नहीं जा पाऊँगा क्योंकि टाइम 12-1 बज चुका है, मुझे कम से कम 300 किलोमीटर का सफ़र करना है यहाँ से। अगर आपको ये चैनल अच्छा लगेगा वीडियो तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, कॉमेंट ज़रूर करिएगा और इंस्टाग्राम फॉलो ज़रूर करना आप, तभी जाके बात बनेगी। और जो भी कोई सवाल सवाल आपके मन में हो पूछ लेना, है ना छोटू? तो भी कुछ बोलना चाहता है सभी कुछ लोगों से बोलो, यहाँ आओ और जो में का मजा लो। हाँ शाबाश। तो वाकई में
आने चाहिए इन जगहों में, बहुत ही क्या हवा चल रही मस्त। तो प्राइवेट अपनी गाड़ी लेके आप यहाँ नहीं आ सकते, वहीं तक है जहाँ मैंने गाड़ी खड़ी कर रखी है। तो यह है यहाँ का मज़ा दोस्तों। आपने शायद एक साल पहले न्यूज़ में काफ़ी चर्चा में रहा था ये, जो अमेरिका में उस टाइम जो शादी जो दंपति लोग आए थे उनने यहाँ पर गुप्ता परिवार गुप्ता बंधु, तो उनकी जो शादी का जो हुआ था वो इसी होम स्टे में हुआ था। होटल है ये होटल कौन सा होटल है? ये इसका होटल का नाम नहीं पता, होटल का नाम मेरे को भी नहीं पता, लेकिन जो शादी हुई थी वो यहाँ पर हुई थी। वो पुल वो है वो वहाँ पे वो। अच्छा पुल वो लाइट लगी है। अच्छा 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 अच्छा, तो यह यहाँ पे हुई थी ये, और बहुत ही सुंदर नज़ारा भव्य, और उस टाइम काफ़ी एक्टर लोग भी यहाँ पर आए थे। विलेज भी देरी है, नहीं जाना था पर टाइम नहीं मिल पा रहा है, क्या करें। तो दोस्तों हम अभी यहाँ यहीं तक, थोड़ा एक नज़ारा और दिखाए थे आपको। कैमरा बंद करने का तो मन ही नहीं कर रहा है यहाँ पे। तो यार गाड़ी बाइक लेके आए हो, ये है यहाँ का नज़ारा। पहले मैं नीचे को चले गया था, लेकिन एक यहाँ पर एक झील है, उस झील को देखने के लिए मैं फिर दोबारा ऊपर आ गया हूँ। तो मैंने सोचा था यहाँ तक आया हूँ तो 100 मीटर ऊपर चल के थोड़ा सा आपको झील का भी नज़ारा दिखा दूँ। तो जब भी मैंने कोई दूसरा नज़ारा वीडियो में देखा था तो ये झील जरूर दिखा था, तो इसको ढूंढते ढूंढते आ रहा था नीचे से, तो लोगों ने बोला कि यहाँ पर है, चलते हैं यहाँ पर, मैं आपको दिखाता हूँ। तो यार यहाँ से जाना ऊपर को, यहाँ पर कुछ ये दलदल सा बना हुआ है पानी का, इसको भी पार करते हैं और यहाँ से पैदल चलना है। ये देख रहे हैं आप, ये जंगली कांटा, इसका कांटा बहुत भयंकर होता है, ये चुभ गया तो हो गया काम फिर। तो ये है वो टैंक जिसको मैं देखने के लिए आया था यहाँ पर। तो अभी इसमें पानी है नहीं, और जब ये पानी भर जाता होगा बाद में तभी यहाँ पर मज़ा आता होगा। और यहाँ से ऊपर को भी रास्ता है, ये घोड़ा है जो अप डाउन में 600 रुपये बता रहे हैं, पर अभी हम टाइम नहीं है हमारे पास, नहीं तो मैं ऊपर ज़रूर जाता। और यही वो होटल है जो विदेश से गुप्ता बंधु जो परिवार आया था पूरा, तो यहीं वो शादी हुई थी, बहुत अनोखी शादी हुई थी उस टाइम पे ये, और उस टाइम मीडिया में बहुत छाया हुआ था ये। तो वो होटल जो है वो यही है, और बहुत कॉस्टली है ये, और आम आदमी के लिए भी है ये, ऐसी बात नहीं है, बुक कर सकते हैं इसको भी अगर जो करना चाहे। तो ये है यहाँ का नज़ारा, और ये है यहाँ का ये झील, तो बनाया हुआ झील है ये, और ऊपर भी आप देख ही रहे नज़ारा, हवा भी खूब चल रही है यहाँ पे, एक छोटा सा एक मंदिर ही बना है यहाँ पे। तो चलते हैं, कभी कभी घूमने के लिए यहाँ भी आया करो यार,
तभी यहाँ मजा आता है। हाँ जन्नत में आया। तो भाई साहब यहाँ का कैसा है माहौल यहाँ आजकल? बहुत बढ़िया हो रहा है। बहुत बढ़िया घूमने में तो बहुत ही मजा आ रहा होगा। हम स्वर्ग है, स्वर्ग स्वर्ग है। नहीं ऐसी जगह तो आपने कभी पहले भी देखी थी? आपने कभी नहीं देखी होगी आपने। मैं भी पहली बार देख रहा हूँ, जन्नत देख रहा हूँ ये। तो हमारा हो चुका है यहाँ से फाइनल। और दोस्तों भाइयों बहनों अब हम यहाँ से निकल रहे हैं और मन नहीं कर रहा है यहाँ जाने का, लेकिन क्या करें, मजबूरी है, जाना पड़ेगा। तो बहुत ही मस्त और ये है रास्ता। वैसे ही ऊपर को आने को रास्ता अलग दूसरा है, लेकिन लंबा है तो हमें जरा शॉर्टकट आना पड़ रहा है। इन लोगों ने क्या कर रखा कि ऊपर तक रोड तो आ रखी है होटल तक, पर गाड़ियाँ ऊपर आने, जो आम आदमी हैं घूमने वाले उनकी गाड़ियाँ आने के लिए वहाँ बंद कर रखा है। अगर सभी गाड़ी लेके ऊपर आ जाएंगे तो ये सामने जो उड़न खटोला लगा है रोप वे, इनका किस्त पानी बंद हो जाएगा, यानी कि चाय पानी। तो अभी हमने वहाँ जाना है नीचे, लास्ट मकान जो आप देख रहे हैं उससे थोड़ा नीचे। तो चलते जा रहे हैं और यहाँ का भी नज़ारा आपको दिखाते जा रहे हैं। तो अभी मैं जरा शॉर्टकट रास्ता अपना रहा हूँ और जिधर से आया था उधर ही को मैं जा रहा हूँ। तो मिलते हैं दोस्तों फिर नीचे, एक आखिरी शॉट नीचे लूँगा, उसके बाद हम फिर चलते हैं। तो दोस्तों अगर आपको अच्छा लगा होगा तो सब्सक्राइब लाइक कमेंट ज़रूर कर देना। ये सरकारी गेस्ट हाउस है यहाँ पे, और यहाँ पर ही कैंटीन है और ये सरकारी गेस्ट हाउस है, यहाँ पर बुकिंग कर सकते हैं आप लोग ओले आने के लिए। और हमारा भी टारगेट ख़त्म हो चुका है और ये हमारी गाड़ी है और हम तैयार हो रहे हैं और बस अब यहाँ से निकल रहा हूँ मैं। अब कहीं पे नहीं रुकना है, थोड़ा सा बीच बीच का आपको दिखाऊँगा व्यूज और उसके बाद हम सीधा निकल रहे हैं। तो दोस्तों जैसा भी लगा होगा आपको लाइक कॉमेंट सब्सक्राइब ज़रूर करना। चेहरा पूरा देख रहे कैसा हो गया, जल के बर्फ़ से पूरा होंठ फट गए हैं और ब्लैक ब्लैक हो गया है पूरा। चलो कोई नहीं, फिर ठीक हो जाएगा, चलते हैं, फिर मिलते हैं आपसे। सायोनारा।